Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडोब अकाउंटिंग में। तो आज हम लोग सीखेंगे टैली पर बिल ऑफ मटेरियल और साथ में जीएसटी भी, यानी बिल ऑफ मटेरियल कैसे बनाते हैं और जीएसटी साथ में कैसे कलेक्ट करेंगे, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे कि एक मैंने ये क्वेश्चन बना रखा है, इसका पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा मेरा एक क्वेश्चन है बिल ऑफ मटेरियल का, और यहाँ पर देखिए है कि दीपक ट्रेडर्स इज इंगेज आल्सो इन द बिजनेस, यानी एक बिजनेस है दीपक ट्रेडर्स का जो कि असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करता है डेल कंप्यूटर। ठीक है, यानी इनका काम है कि असेंबल और मैन्युफैक्चर दोनों करता है डेल कंप्यूटर को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रिएट स्टॉक आइटम, यानी कुछ आइटम क्रिएट हो रहा है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको टैली पर ले जाके आइटम क्रिएट बता देता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्रोसेस के थ्रू चलेंगे कैसे वर्क करेगा सारा हमारा। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग टैली। जैसा कि टैली हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, एक देखिए यहाँ पर एक बोर्ड है, छोटा सा मतलब बॉक्स है, इसमें मैं जितना भी शॉर्टकट की प्रेस करूँगा यहाँ पर शो करेगा। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, इस पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं कौन कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं एक्टिवेशन कर लेता हूँ जीएसटी को और गोडाउन को। तो सबसे पहले जीएसटी एक्टिवेट करेंगे, तो गेटवे ऑफ टैली शो कर रहा है यहाँ पर, F11 प्रेस कीजिएगा। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आ जाइएगा स्टेटरी एंड टैक्सेशन। स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में आपको दो यहाँ पर ऑप्शन है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेट अल्ट्रा जीएसटी डिटेल्स। तो दोनों को यस कर लेना है आपको, यस और इसको भी यस। इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा, इन सब में छोड़ दीजिएगा, कोई आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे है वैसे रहने दीजिएगा। इंटर करते हुए आगे और एक्सेप्ट। उसके बाद यहीं पर इस इन्वेंट्री फीचर्स शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स है ये, इसमें चले जाएंगे और गोडाउन को एक्टिवेट कर लेंगे। तो इंटर करते हैं और यहाँ पर आइएगा, तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, तो इसको आप लोग यस कर लीजिएगा और इंटर करके एक्सेप्ट। अब हम लोग स्टॉक आइटम बनाने चलेंगे, तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए हम लोग इन्वेंटरी में चलते हैं और यहाँ पर स्टॉक आइटम है ले लेंगे, उसके बाद क्रिएट। और अब स्टॉक आइटम कहाँ से मिलेगा, तो स्टॉक आइटम आपका यहाँ पर है, देखिए मैंने क्वेश्चन जैसे दिखाया था इसमें है। तो रैम है 4GB, चलिए बना लेते हैं इसको। और यहाँ पर पूछ रहा है अंडर क्या होगा, तो जैसे कि अंडर यहाँ पर देखिए एसोसरीज है सब चीज़ का और यूनिट PCS है, तो ले लेंगे। यहाँ पर अल्ट सी कर लेते हैं और एसोसरीज ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लीजिएगा इसको। और यहाँ यूनिट ये भी अल्ट सी करके बना लेते हैं, तो अल्ट सी करेंगे तो यहाँ पर PCS पीस में हो जाएगा और एक्सेप्ट। इंटर करके आगे बढ़िएगा और यहाँ पर देखिए लिखा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो लिखा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो आपको इसको यस करना है क्योंकि हमको जीएसटी अप्लीकेबल करना है। तो मैं इसको यस कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में छोड़ दीजिएगा और HSN में 4 डिजिट का कोई भी कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद ऑन वैल्यू और यहाँ पर टैक्सेबल ले लेना है, इंटर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स पूछ रहा है, यानी इंटीग्रेटेड टैक्स कितना होगा, तो जैसा कि इंटीग्रेटेड टैक्स मेरा 18% है, तो यहाँ पर 18% टैक्स ले लीजिएगा जीएसटी। और देखिए 9-9 आ गया, यानी अगर हम सी और एस जीएसटी अगर काटेंगे तो 9% कटेगा और अगर IGST काटेंगे तो 18% कटेगा। तो ये यहाँ पर सेट हो गया, बस इसी तरह हर आइटम में आपको सेट कर लेना है। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। इंटर एक्सेप्ट, दूसरा आइटम देख लेते हैं। तो दूसरा आइटम है हार्ड डिस्क 1 TB, उसके बाद यहाँ पर एसेसरीज ले लेंगे इसका ग्रुप और यूनिट PCS हो जाएगा। इंटर करते हुए यहाँ पर यस कर लेंगे इसको, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को, और फिर यहाँ पर 4 डिजिट का कोई भी कोड डाल दीजिएगा और ऑन वैल्यू
उसके बाद टैक्सेबल और यहाँ पर 18%, क्योंकि सब में मेरा 18% है, तो बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट। यहाँ भी गुड्स का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर गुड्स लेना है आपको, यहाँ पर गुड्स होना चाहिए और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तीसरा आइटम क्या है, प्रोसेसर i5 8th generation, ग्रुप है सुसरेज और यूनिट है PCS और 18% GST है। तो चलिए इसको बना लेते हैं, प्रोसेसर i5 8th generation, इंटर करते हैं और यहाँ पर एसोसिएट ले लेते हैं और यहाँ पर PCS, उसके बाद यहाँ पर यस कर लेंगे GST को और यहाँ पर 4 digit का कोई भी कोड डाल देते हैं और ऑन वैल्यू और यहाँ पर टैक्सेबल और यहाँ पर 18%, यहाँ पर गुड्स ले लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है मदरबोर्ड, एसोसिएट पीस और यहाँ पर यस कर लेते हैं और यहाँ पर इंटर करके 4 digit का कोई कोड डाल देते हैं, ऑन वैल्यू और यहाँ पर टैक्सेबल, यहाँ पर 18% ले लेना है और एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर है CPU, एसोसिएट हो जाएगा और यहाँ पर PCS और यस कर लेंगे इसको और यहाँ पर 4 digit का कोई भी कोड, ऑन वैल्यू और यहाँ पर टैक्सेबल ले लेंगे और यहाँ पर 18% एक्सेप्ट। ये हो गया, मेरा सारा आइटम बन चुका है। और थोड़ा सा नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर एक आइटम और है, डेल कंप्यूटर, और इसका अंडर क्या है, डेस्कटॉप और यूनिट है PCS और इसमें BOM, यानी BOM का मतलब हो गया बिल ऑफ मटेरियल, आपको यस करना है और इस पर GST है 18%। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या था मेरा आइटम, डेल कंप्यूटर, डेल कंप्यूटर। ग्रुप पूछ रहा है तो ग्रुप इसका है डेस्कटॉप, तो अल्ट सी करके बना लेते हैं, अल्ट सी और यहाँ पर PCS ले लेंगे और यहाँ पर देखिए PCS होने के बाद BOM यस करना है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है BOM, ध्यान दीजिए यहाँ पर सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल शो कर रहा है, इसको यस कर लेना है। अगर आपके सिस्टम में ना शो करे ये ऑप्शन तो यहीं पर F12 दबाइएगा, F12 यानी, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आइएगा सबसे नीचे, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि शो कर रहा है इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल ऑफ मटेरियल, यहाँ पर ये ऑप्शन शो कर रहा है, आप लोग इसको यस कर लीजिएगा अगर आपके सिस्टम में ना शो करे तब। मेरा यस है तो शो कर रहा है, चलिए मैं बैक कर लेता हूँ इसको, उसके बाद इसको मैं यस करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर पूछ रहा है देखिए नेम ऑफ बॉम्ब, यानी नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, यानी बिल ऑफ मटेरियल का नाम दीजिए, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, यानी बिल ऑफ मटेरियल का नाम डेल 5559, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डेल 5559, इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर पूछ रहा है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर और यहाँ पर है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर 1, तो यहाँ पर ले लेता हूँ 1, यानी एक डेल कंप्यूटर हमको बनाना है, यानी यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है कि एक डेल कंप्यूटर बनाना है। अब एक डेल कंप्यूटर बनाने में यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या क्या आइटम आपका लगेगा, तो देखिए यहाँ पर आइटम है, गोडाउन है और क्वांटिटी है, यानी एक डेल कंप्यूटर बनाने में क्या क्या पार्ट्स लगेगा, उसका आइटम क्या होगा, तो यही हमको बिलिंग करना है, यही होता है हमारा बिल ऑफ मटेरियल। तो एक कंप्यूटर बनाने में क्या क्या आइटम लगता है तो उसी का हम लोग बिलिंग करते हैं, तो यही हमारा होता है बिल ऑफ मटेरियल। तो चलिए मैं आइटम यहाँ पर डालता हूँ कि जैसे मेरा एक डेल कंप्यूटर बनाने में क्या क्या आइटम लग सकता है। तो देखिए मेरा आइटम यहाँ पर मैं आइटम दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर सारा मेरा आइटम देखिए शो कर रहा है ऊपर में, ये जो आइटम मैंने बनाया है यही सब हमको उसमें इंटर करना है एक एक पीस। तो चलिए यहाँ पर आइटम में पहला क्या है ले लेता हूँ, CPU पहले, ऊपर में कोई भी ले सकते हैं आप, CPU लेते हैं। गोडाउन पूछ रहा है तो गोडाउन मेरा देखिए दिया होगा इसमें आइटम सेक्शन गोडाउन वेयर हाउस, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है कि आइटम सेक्शन में गोडाउन डालना है क्या वेयर हाउस, तो यहाँ पर वेयर हाउस तो गोडाउन शो नहीं कर रहा है देखिए, तो अल्ट सी कर लीजिएगा यहीं पर, अल्ट सी, तो यहाँ पर हो जाएगा गोडाउन आपका
वेयर हाउस, उसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर क्वांटिटी एक, यानी एक कंप्यूटर बनाने में आपका एक क्वांटिटी लगेगा कोई भी चीज़ का। और यहाँ पर हो गया, फिर हार्ड डिस्क ले लेंगे उसी तरह, वेयर हाउस गोडाउन हो जाएगा और क्वांटिटी एक। फिर हार्ड डिस्क के बाद मदरबोर्ड, वेयर हाउस क्वांटिटी एक, उसके बाद प्रोसेसर, वेयर हाउस क्वांटिटी वन, उसके बाद रैम, वेयर हाउस और क्वांटिटी वन। यानी एक डेल कंप्यूटर बनाने में, यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक डेल कंप्यूटर बनाने में क्वांटिटी भी यहाँ पर दिया है, ये आइटम मेरा लगेगा और सबका क्वांटिटी एक होगा। और ये कहाँ से लिया जा रहा है, वेयर हाउस से। तो चलिए एंटर कर लेते हैं आप, एक्सेप्ट इंटर। और फिर यहाँ पर GST भी यस करना है इसमें, कि ये कंप्यूटर अगर हम बेचें तो उस पर GST अलग लगेगा। तो यहाँ पर यस कर लेते हैं इसको GST में, और यहाँ पर कोई भी 4 डिजिट का नंबर, और फिर यहाँ पर टैक्सेबल, और यहाँ पर 18%। इंटर इंटर इंटर, एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद अब बैक कर लेते हैं। अब मेरा आइटम बन चुका है। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्रिएट एक भाउचर क्रिएट करना है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का, और अंडर होगा उसका स्टॉक जर्नल, और उसमें सेट करना है यूज है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यस करना है, एक ऑप्शन है इसमें, यस करना है आपको। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे यस होगा। तो पहले भाउचर क्रिएट करने के लिए हम लोग अकाउंट इन्फो में जाएंगे, और नीचे भाउचर टाइप में चले जाएंगे, उसके बाद क्रिएट, और यहाँ पर नाम में लिख लेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। और यहाँ पर पूछ रहा है सेलेक्ट टाइप ऑफ भाउचर, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका अंडर हो जाएगा क्या, स्टॉक जर्नल, तो यहाँ से स्टॉक जर्नल ले लेंगे। और यहाँ पर आइए लास्ट में, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको आपको यस करना है। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन में दिखा भी रखा है कि इसको आपको यस करना है, तो मैं यस कर लेता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझको मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो इसलिए मैं इसका यूज करूँगा। तो हो गया यस, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं और बैक कर लेता हूँ मैं। उसके बाद अब यहाँ पर कह रहा है कि कंपनी परचेज द 10 पीस ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग आइटम फ्रॉम राज इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी देखिए, हमको कंप्यूटर तो मैन्युफैक्चरिंग करना ही है, डेल कंप्यूटर हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है, लेकिन अब उसके लिए हमारे पास ये पार्ट्स होना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि हमको परचेज करेंगे तभी तो रहेगा, तब तो हम बनाएंगे उसको, किसी भी पार्टी को मैन्युफैक्चर करके देंगे। तो मैं परचेज कर रहा हूँ पहले, ये देखिए कंपनी परचेज द 10 पीस ऑफ ईच ऑफ फ्लोइंग आइटम, यानी सारा ये आइटम जो है ये 10 पीस खरीदा जा रहा है सब में से आइटम, फ्रॉम किस से, राज इलेक्ट्रॉनिक्स से हम लोग खरीद रहे हैं। तो मेरा कंपनी है दीपक ट्रेडर्स, और दीपक ट्रेडर्स क्या कर रहा है कि राज इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज कर रहा है, एंड अप्लीकेबल CGST और SGST। तो इस पे CGST और SGST भी लग रहा है। तो सबसे पहले हम लेजर बना लेंगे, लेजर एक बनाएंगे परचेज का, क्योंकि परचेज हो रहा है, और एक पार्टी का राज इलेक्ट्रॉनिक्स जिससे हम लोग परचेज कर रहे हैं, और एक CGST और एक SGST, इन चारों का लेजर बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं लेजर, अकाउंट इन्फो, लेजर क्रिएट, और यहाँ पर लिख लेते हैं परचेज, उसके बाद इंटर। परचेज का ग्रुप हमेशा परचेज अकाउंट होता है, ले लेंगे यहाँ से परचेज अकाउंट, इंटर इंटर। और यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर गुड्स आपको लेना है, क्योंकि हम लोग वस्तु पे टैक्स काट रहे हैं, सर्विस पे नहीं काट रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर गुड्स होना चाहिए। उसके बाद इंटर इंटर एक्सेप्ट, उसके बाद एक राज इलेक्ट्रॉनिक्स का बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेंड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो सेंड्री क्रेडिटर्स ले लेंगे ग्रुप। और यहाँ पर इसको यस रखिएगा, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखना है, देखिए इस ऑप्शन को यस कर लीजिएगा। उसके बाद इंटर इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दीजिएगा, एक्सेप्ट। आप लोग इस पे देखते रहिएगा, ये मेरा सारा शॉर्टकट की सारा शो करेगा, इस पे आप ध्यान देते रहिएगा। और सबसे पहले हम लोग CGST बना लेंगे, CGST बनाने के बाद उसका अंडर पूछेगा, तो अंडर हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस हो जाएगा, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस ले लेंगे यहाँ से। उसके बाद इंटर कीजिएगा, तो यहाँ पर पूछेगा अदर और GST, तो यहाँ पर हमको GST लेना है, क्योंकि GST हम लोग काट रहे हैं। और यहाँ पर सी से सेंट्रल टैक्स हो जाएगा, तो लीजिएगा यहाँ पर सी से सेंट्रल टैक्स, और इंटर इंटर एक्सेप्ट। उसके बाद SGST अंडर हो जाएगा आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस, उसके बाद यहाँ पर GST ले लेंगे, उसके बाद
एस से हो जाएगा स्टेटिक्स, तो यहाँ से स्टेटिक्स ले लेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। ये सारा हमारा लेजर बन गया, बैक कर लेते हैं। उसके बाद लेजर बन जाने के बाद अब हम लोग को परचेज करना है, ये सारा आइटम परचेज करना है, 10-10 क्वांटिटी, और यहाँ पर रेट लिखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर और F9 प्रेस करेंगे। तो ये हमारा परचेज वाउचर आ गया। उसके बाद इंटर कीजिएगा। तो पार्टी नेम पूछ रहा है, तो पार्टी नेम राज इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि राज से हम लोग परचेज कर रहे हैं, और परचेज का लेजर यानी परचेज कर रहे हैं तो परचेज का लेजर हो जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, क्या क्या परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर परचेज में देखिए क्या है, रैम 4 GB, तो रैम ले लेते हैं यहाँ पर 4 GB, यहाँ से ले लेंगे। गोडाउन वेयर हाउस हो जाएगा। उसके बाद क्वांटिटी 10 हो जाएगा, और रेट हमारा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 10 क्वांटिटी है और 2000 रुपये रेट हो जाएगा। गोडाउन हमारा वेयर हाउस ही होगा, क्योंकि वेयर हाउस में हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं इसलिए। तो यहाँ पर हम लोग रेट तो देखे ही नहीं, रेट हमारा 2000 है, ले लेंगे यहाँ पर। उसके बाद इंटर। फिर दूसरा आइटम क्या है, हार्ड डिस्क ले लेते हैं। गोडाउन वेयर हाउस और क्वांटिटी 10 हो जाएगा, और रेट आपका 3000 रुपये हो जाएगा। इंटर। फिर तीसरा प्रोसेसर है, तो यहाँ से प्रोसेसर ले लेते हैं। गोडाउन वेयर हाउस क्वांटिटी 10 है, और आपका रेट हो जाएगा 2800। देख लेते हैं एक बार, देखिए यहाँ पर 2800 शो कर रहा है, तो ले लेते हैं 2800 और इंटर करके एक्सेप्ट। फिर चौथा आइटम मदरबोर्ड है, और इसका क्वांटिटी आपका 10 है और रेट 6000 रुपये है। तो यहाँ पर मदरबोर्ड वेयर हाउस गोडाउन हो जाएगा, क्वांटिटी 10 हो जाएगा और रेट 6000। इंटर। और लास्ट आइटम में क्या है, CPU है, और इसका आपका क्वांटिटी 10 है और 3500 रुपये रेट है। यहाँ पर CPU, गोडाउन वेयर हाउस, और यहाँ पर क्वांटिटी 10 और रेट 3500। लेने के बाद इंटर करेंगे, और एक बार इंटर और एक बार और इंटर करेंगे, क्योंकि हमको GST लगाना है इसी पर। तो यहाँ पर इंटर करते हैं, और यहाँ पर CGST ले लेंगे। तो देखिए मेरा CGST कट गया, और इंटर करते हैं तो यहाँ पर SGST, तो मेरा देखिए GST भी कट गया, और यहाँ पर बिल भी मिल गया, यानी मैंने ये सब चीज़ परचेज कर लिया, क्योंकि हमको कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करना है। तो पहले मैं ये सब प्रोडक्ट अपने गोडाउन में रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे गोडाउन में आ गया 10-10 क्वांटिटी। मैं आपको गोडाउन समरी भी दिखा दूंगा। इंटर। यहाँ पर नो कर लीजिएगा, ये पूछ रहा है कि प्रोवाइड GST ई वे बिल डिटेल्स। तो ऐसे तो ई वे बिल का कंडीशन होता है कि 50,000 से ज़्यादा परचेज कीजिएगा तो ई वे बिल आपको निकालना ही है। तो खैर मैं यहाँ पर ई वे बिल नहीं निकाल रहा हूँ, इंटर करता हूँ नो करके। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, कि अगर मान लीजिए आप GST देखना चाहते हैं कि किस पे प्रोडक्ट पे कितना मेरा कटा है GST टैक्स, सारा शो अप कराना चाहते हैं, तो यहीं पर अल्ट ए कीजिएगा, यानी क्वेश्चन एक्सेप्ट करने से पहले अल्ट ए। देखिए अल्ट ए किए तो यहाँ पर एक बॉक्स खुला, ये टैक्स एनालिसिस, यहाँ पर देखिए लिख रहा है टैक्स एनालिसिस। इसके बाद अल्ट F1 कीजिएगा, तो मैं यहाँ पर को दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर टैक्स कटा हुआ है सब चीज़ का, सारा आइटम का, यहाँ पर एक एक करके लाइन बाई लाइन शो कर रहा है। 2000 है, और यहाँ पर 2000 के बाद 20,000 है, 20,000 का 9% यहाँ पर कट के यहाँ पर वैल्यू शो कर रहा है। उसी तरह 30,000 का है हार्ड डिस्क हमारा टोटल, और हार्ड डिस्क पे 9% लगा है, और उसका 9% यहाँ पर शो कर रहा है, 2700 रुपये टोटल ये शो कर रहा है। तो सारा यहाँ पर GST में भी हम लोग देख सकते हैं, ये मेरा टैक्स एनालिसिस हो गया। उसके बाद मैं बैक कर लेता हूँ यहीं पर थोड़ा सा, और अब इंटर कीजिएगा आगे, और यहाँ पर न्यू रेफरेंस ले लेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में है भी कि न्यू रेफरेंस आपको लेना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है एंड न्यू रेफरेंस, और रेफरेंस नंबर RE/01। तो मैं यहाँ पर न्यू रेफरेंस, और वैसे भी जितना भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है उसमें न्यू रेफरेंस ही लेते हैं, और मैं यहाँ पर RE/01 ले लेता हूँ, और इंटर एक्सेप्ट। ये मेरा परचेज का ट्रांजेक्शन हो गया। अब मैं आपको गोडाउन दिखा देता हूँ, स्टॉक में मेरे स्टॉक में क्या क्या है और कितना है। तो यहाँ पर चलेंगे स्टॉक समरी पे, और एसेसरीज ले लेंगे, और देखिए सारा क्वांटिटी मेरा दिखा रहा है 10-10, तो ये मैंने इतना परचेज किया है, तो मेरे गोडाउन में आ चुका है। चलिए बैक कर लेते हैं। अब उसके बाद लास्ट है यहाँ पर कि मैन्युफैक्चर द
पांच पीस ऑफ डेल कंप्यूटर। अब डेल कंप्यूटर हम लोग पांच पीस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इन वेयर हाउस गोडाउन से, एंड एडिशनल एक्सपेंस पैकिंग चार्ज 2000 रुपये वाज इंक्लूड। यानी पांच डेल कंप्यूटर हमको मैन्युफैक्चर करने के लिए मिला है इन वेयर हाउस गोडाउन से, एंड एडिशनल एक्सपेंस उस पर अलग से खर्चा लग रहा है, पैकिंग चार्ज कितना 2000 रुपये। तो चलिए हम लोग कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, और सबसे पहले एक लेजर बना लेते हैं पैकिंग चार्ज का, सिर्फ पैकिंग चार्ज का बना लेते हैं लेजर। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, और यहाँ पर पैकिंग चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा क्योंकि खर्चा है ये, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेकर यहाँ पर इसको नॉट अप्लीकेबल कर दीजिएगा क्योंकि इस पर GST से कोई मतलब है नहीं, तो इसको नॉट अप्लीकेबल ही रहने दीजिएगा, और इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा, एक्सेप्ट। अब चलते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर और अल्ट प्लस F7 प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सोकर है स्टॉक जर्नल और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो जैसा कि हमको मैन्युफैक्चर करना है तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ले लेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट, यानी क्या मैन्युफैक्चर करना है, तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेल कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करना है और कितना क्वांटिटी, तो पाँच, और गोडाउन वेयर हाउस। तो बस आपको यहाँ पर नेम ऑफ कंप्यूटर में आपको ले लेना है, सॉरी नेम ऑफ प्रोडक्ट में ले लेना है डेल कंप्यूटर, और यहाँ पर पूछ रहा है गोडाउन, देखिए यहाँ पर गोडाउन पूछ रहा है, तो गोडाउन हमारा हो जाएगा वेयर हाउस। क्वांटिटी पूछ रहा है यानी क्वांटिटी कितना, तो पाँच हम लोग मैन्युफैक्चर करना है। जैसे ही पाँच मैन्युफैक्चर किए तो देखिए यहाँ पर मेरा सारा ऑटोमेटिक बिल बनकर आ गया, क्योंकि मैंने पहले इससे बिलिंग सेट कर रखा है कि एक कंप्यूटर में एक लगेगा, तो एक लगा तो पांच कंप्यूटर बनाएंगे तो पांच लगेगा सारा चीज़, सारा आइटम देखिए पांच हो गया और सबका बिल आ गया यहाँ पर, और टोटल यहाँ पर वैल्यू देखिए यहाँ पर शो कर रहा है। अब ये सब इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा, इस तरह इंटर करते जाइएगा, उसके बाद यहाँ आइएगा तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, यानी अलग से जो खर्च लग रहा है, तो एडिशनल कॉस्ट में मेरा पैकिंग चार्ज लग रहा था, तो यहाँ से ले लेंगे पैकिंग चार्ज और इंटर करेंगे। परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज नहीं है, वैल्यू है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर शो कर रहा है कि पैकिंग चार्ज आपका 2000 रुपये लग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 2000 रुपये इनपुट कर लेंगे और इंटर जैसे करेंगे तो सारा ऐड हो गया, सारा यहाँ पर वैल्यू शो कर रहा है। देखिए एडिशनल कॉस्ट में आपका 2000 शो कर रहा है, देखिए मैं हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ, एडिशनल कॉस्ट 2000 रुपये शो कर रहा है, और यहाँ पर टोटल आपका वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है, पीस कितना है आपके पास और कितना उसका रेट है, सब यहाँ पर शो कर रहा है आपका टोटल वैल्यू। तो ये हो गया हमारा बिल ऑफ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन, यानी मैन्युफैक्चर हम लोग इसी तरह से करते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट कर दीजिएगा, ये हमारा फाइनली बन चुका है। अब आपको रिपोर्ट में दिखा देता हूँ थोड़ा सा स्टॉक का, तो चलते हैं स्टॉक समरी, और उसके बाद देखिए यहाँ पर किस चीज़ का देखना है आपको, एसोसरीज का और या डेस्कटॉप का। एसोसरीज में मेरा सारा पार्ट्स है, तो देखिए ये हो गया मेरा पांच क्वांटिटी क्योंकि यहाँ पर शो कर रहा है, और नहीं तो यहीं पर बैक करके ही, मतलब जैसे देखिए यहाँ पर स्टॉक समरी पे इंटर कीजिएगा और यहाँ पर अल्ट F1 कर दीजिए, अल्ट प्लस F, जैसे ही अल्ट प्लस F1 कीजिएगा तो यहाँ पर आपका सारा आइटम शो कर रहा है, पांच क्वांटिटी है, डेल कंप्यूटर भी आपका पांच है और ये पांच है क्योंकि 10 लिए थे और पांच का हमने मैन्युफैक्चर कर दिया, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ गया पांच। तो इस तरीके से बिल ऑफ मटेरियल बनता है हमारा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, और कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।